हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS और MTS से पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके आज हम लोग सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो GDS हैं उनको रेगुलर सर्विस करते हुए 5 साल हो जाते हैं तो वो पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे GDS जिनको रेगुलर सर्विस करते हुए 5 साल हो जाती हैं वो पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ऐसे MTS जिनको रेगुलर सर्विस करते हुए 3 साल हो जाती हैं वो पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये तो है एक कैटेगरी वाले लोग। नेक्स्ट बी कैटेगरी में ऐसे GDS जिनका हाल ही में चयन MTS में हुआ है या GDS प्लस MTS की सर्विस टोटल 5 साल हो गई है तो वो बी कैटेगरी में पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जब भी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है तो सबसे पहले ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लिया जाता है और उसके बाद में बी कैटेगरी के कर्मचारियों को प्रमोशन में चांस दिया जाता है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग के पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए कितने एग्ज़ाम्स होंगे। तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए टोटल 4 एग्ज़ाम होंगे जिनका नाम है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर नंबर 1 और 2 को मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। पेपर नंबर 3 होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको इसको पास करना है। पेपर नंबर 4 आपका कंप्यूटर टेस्ट है, यानी कि डेस्ट वाला टेस्ट है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट वाला टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के नाम से भी इसे आप लोग जानते हैं, ये भी एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। क्वालिफाइंग टेस्ट पेपर नंबर 3 और 4 हैं, इनको सिंपली आप लोगों को पास करना होता है। जो लोग इनमें फेल हो जाते हैं उनका प्रमोशन नहीं होता है। 3 और 4, जो पेपर नंबर 3 और 4 हैं इनको पास करना कंपलसरी होता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पेपर 1 और 2 से बनेगी आपकी मेरिट, यानी कि जिन लोगों के नंबर पेपर 1 और 2 में ज़्यादा होंगे वो लोग मेरिट में अच्छा स्थान पाएंगे, और साथ के साथ उनका पेपर नंबर 3 और 4 क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, यानी कि वो उसमें पास हुए होने चाहिए। अगर कोई पेपर 3 और 4 में फेल हो जाता है तो उनको मेरिट में कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, भले ही उनके नंबर पेपर 1 और 2 में ज़्यादा हो। बात करें कि एक पेपर को कितने मार्क्स का होगा, यानी कि जो पेपर है वो कितने कितने मार्क्स के होंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। पेपर 1 है वो 50 अंक का होगा, या 50 अंक नहीं 50 क्वेश्चंस का होगा, और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि 100 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है पेपर 1। पेपर नंबर 2 में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, और 25 क्वेश्चंस आपके होंगे एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 50 अंक का। कहने का मतलब है कि पेपर 1 और 2 में टोटल आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो कि 150 नंबर के होंगे, यानी कि आपके मेरिट 150 मार्क्स में से होगी। पेपर नंबर 3 आपका है 50 अंक का, और पेपर नंबर 4 है वो है आपका 25 अंक का। इनको सिंपली आपको पास करना है, तो आप लोग यहाँ पर अपना फोकस कम कर सकते हैं, पेपर 1 और 2 में ज़्यादा कर सकते हैं। पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 जो कि 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें, ये आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और B। पार्ट ए को भी आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, दूसरा है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पार्ट बी में आपके मैथ्स एंड GK के क्वेश्चंस पेपर होंगे, यानी कि मैथ्स और GK के क्वेश्चंस होंगे। ये जो पार्ट ए है जो कि डिपार्टमेंटल टॉपिक्स से, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, ये होंगे आपके 30 क्वेश्चंस, 23 जिसमें से पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के होंगे, 7 क्वेश्चन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से होंगे,
बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं उनमें से 10 मैथ्स के होंगे और 10 जीके के होंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड पूरा डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन दो नंबर का, टोटल 50 अंक का पेपर होगा। और 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे डिपार्टमेंटल होंगे, और डिपार्टमेंटल में भी यहाँ से तीन टाइप्स हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस हैं आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक से, देन पोस्ट मिनिमम वॉल्यूम 7 और 6 से आपके क्वेश्चंस 10-10 पूछे जाएंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं सिलेबस को, पूरा सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस में पेपर एक का जो सिलेबस है वो देखेंगे, और पेपर एक का जो पार्ट ए है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, और उसके बाद में पार्ट बी का सिलेबस नोट करेंगे। तो पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चंस में आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक से 23 क्वेश्चंस हैं, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से आपके 7 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चंस 60 नंबर के। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक से जो टॉपिक्स हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्सेज एंड पोस्ट बैग्स। नेक्स्ट में है ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियॉन। अगला टॉपिक है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, प्रोविटेड पोस्टल आर्टिकल। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसमें आपको मेल, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल इतना जो सिलेबस है इसमें से आपको 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि आपका 46 अंक का जो सिलेबस है वो आपको पार्ट ए में से है। और पार्ट ए में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से, यानी कि जो डेफिनेशन वाला जो पूरा टॉपिक है, पूरा जो चैप्टर है, यानी कि लगभग इसमें 50+, 52, 55 इसमें डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस में से आपके टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 7 क्वेश्चंस आपके 14 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपको 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के आप लोगों के पार्ट ए में है। पार्ट बी का जो सिलेबस है उसमें 10 क्वेश्चंस जीके के हैं और 10 क्वेश्चंस मैथ से हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस हैं टोटल 40 नंबर के। इस तरीके से आपका पेपर फर्स्ट 100 अंक का है। 10 नंबर की जो जीके है उसके टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडीज। इन टॉपिक्स में से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछा जाएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो है बॉन्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड। एक टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पेपर एक के बाद में हम लोग पेपर सेकंड के बारे में बात करें। इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चंस हैं और 50 अंक के हैं। 25 क्वेश्चंस में से सबसे पहले 5 क्वेश्चंस आपसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक से पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक हैं डिलीवरी ऑफ बिल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ईएमओ, रिडायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन, लायबिलिटीज टू डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। ये टॉपिक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक से हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 10 अंक से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो वॉल्यूम 6 का जो पार्ट 3 है, जिसके टॉपिक हैं हेड पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टमैन बुक्स, एड्रेस टू बी नोटिस नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल, डैमेज आर्टिकल टू बी नोटिस्ड, रिसीप्ट फॉर आर्टिकल्स इशूड फॉर डिलीवरी, बुक ऑफ रिसीप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवरी, इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी, रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, रिसीप्ट ऑफ एड्रेसेस फॉर रजिस्टर्ड, डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेसी प्रेडेंशियन वुमेन, डिलीवरी ऑफ इंश्योर आर्टिकल एड्रेस टू माइनर्स, पेमेंट ऑफ ईएमओ, ईएमओ एड्रेस टू माइनर्स, पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स टू लुनेटिक्स, ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन। इतने जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस यानी कि 20 से आपसे यहाँ से मटेरियल पूछा जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपके 20 अंक के। और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस आपके बचे हैं जो कि 20 अंक के हैं,
वो पूछे जाएंगे आपके वॉल्यूम 7 से, और उसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्टैम्प्स एंड सील्स, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ अ डेली रिपोर्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट, एक्शंस ऑफ मेल्स, केएसटीबी, डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू अ सेक्शन और अ मेल ऑफिस, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट, फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग पेन और ऑफिस, ए ऑर्डर एंड बी ऑर्डर। यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि कितने नंबर के हैं, 20 अंक के हैं। इस तरीके से टोटल आपका जो पेपर सेकेंड है उसमें 3 टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस 10 नंबर के। नेक्स्ट आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का भी पार्ट 3, 6 का भी पार्ट 3 है, और यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस 20 नंबर के। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम 7 है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चंस 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल आपके 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के पेपर सेकंड में है। पेपर थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड में आपका 50 अंक का है। इसमें सिंपली आपको लोकल लैंग्वेज से आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन के लिए आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, इस तरीके से ये 15 अंक के होंगे। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको 15 वर्ड्स मिलेंगे और 15 ही नंबर के होंगे। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, और 3 ऑप्शंस में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, 3 में से किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है, और 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 में से किसी एक पर आपको लेटर लिखना है, जो कि 10-10 नंबर के होंगे। टोटल आपके यहाँ तक हो जाते हैं 32 क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चंस जो कि आपके 50 अंक के होंगे, जिनमें से आपको पैराग्राफ और लेटर को लिखना है। 30 जो क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड्स वाले, ये एमसीक्यू होंगे, यानी कि किसी 4 में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट पेपर फोर्थ है आपका टेस्ट वाला, टेस्ट वाले टेस्ट का ध्यान रखें, यहाँ जो भी अपडेट होगा एग्जाम से पहले वो आप लोग उस अपडेट को के अकॉर्डिंग ही अपनी की डिप्रेशन को ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर अभी 600 है, ये पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये 25 नंबर का होता है और 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है, और इसमें आपको सिंपली अपनी टाइपिंग करनी होती है, जिसे डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से टोटल आप लोग पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए या मेल गार्ड के एग्ज़ाम के लिए टोटल 4 पेपर्स देंगे। 4 पेपर में से पेपर 1 और 2 के अकॉर्डिंग बनेगी आपकी मेरिट, और पेपर 3 और 4 को आपको करना होगा क्वालिफाई। इस तरीके से टोटल आप लोग इन पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।